हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। करंट अफेयर हम लोग अपलोड करते हैं, हैंड रिटन करंट अफेयर रहता है, बिल्कुल टू द पॉइंट जो एग्जाम्स में आता है, सीधे सीधे वही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और ये 15 से लेके 30 मार्च के लिए है, मतलब 15 दिन का ये करंट अफेयर है। ऑलरेडी मैंने लिख लिया था, हैंड रिटन है तो, लेकिन अपलोड नहीं कर पाया था, थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं थी इस वजह से, ठीक है। तो देखते हैं 15 दिन का, इस मार्च का, बाकी आधे दिन का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ठीक है। मतलब 1 मार्च से लेके 15 तारीख तक अपलोड हो चुका है, ये 15 से 30 तारीख का है, ठीक है। बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये आपके लिखा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है तेलंगाना में, ठीक है, आप लोगों को पता होगा तेलंगाना में स्टेब्लिश किया जा रहा है। और अफ्रीका का सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, वहाँ पर सबसे छोटे कद मतलब एज में विश्व का सबसे युवा, अगर हम बात करें व्यक्ति के नाम, तो विराट नाम ही इस बच्चे का, ठीक है, 7 साल का है। तो हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर? किया गया। सेकंड नंबर देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2021 में पृथ्वी के नजदीक से होकर गुजरने वाला अनुमानित सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो 2001 FO32, ठीक है, इसका नाम दिया गया है ऐसा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पीएम मोदी ने किसकी भगवद गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वामी चिदानंद का किंडल वर्जन, मतलब भगवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित सांगे ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सांगे ज्वालामुखी तो यह इक्वाडोर में स्थित है। और अभी अप्रैल का एक न्यूज़ है कि 900 साल के बाद ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, वह किस देश में? तो वहाँ आइसलैंड में यह विस्फोट हुआ था, मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में WHO ने किस फार्मा कंपनी के टीके को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन्स कंपनी को मंजूरी दे दिया है वैक्सीनेशंस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, मनरेगा के तहत कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में पहले स्थान पर है? मतलब रोजगार प्रदान कराने के मामले में पहले स्थान पर है, तो छत्तीसगढ़ राज्य। नेक्स्ट देखते हैं, विजय हजारे 2021 का ट्रॉफी कौन जीता है? भाई मुंबई जीत गया है और फाइनल में मुकाबले में उत्तर प्रदेश को हरा दिया था, तो उत्तर प्रदेश आपका उप विजेता है और विजेता आपका मुंबई है। क्वेश्चन आएगा 100%। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ इस्टेब्लिश किया जा रहा है? तो यह आपका तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ये क्वेश्चन भी याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के हालिया आंकड़ों के अनुसार किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया में सबसे बड़ा है? सबसे फर्स्ट नंबर पे चीन, सेकंड नंबर पे है जापान, थर्ड पर स्विट्जरलैंड एंड फोर्थ नंबर पर है भारत, ठीक है, चारों देश का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन किया है? जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। आने वाले समय में हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा पूरे विश्व के लिए, ठीक है। और अभी हाल ही में भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किस राज्य ने 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया है? यह महोत्सव का आयोजन किया है उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। और यूपी के सिद्धार्थनगर से सिंगापुर को हम लोग राइस पहुंचा रहे हैं, ठीक है, तो बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए कि हम लोग एक्सपोर्ट भी चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। किस राज्य सरकार ने प्राइवेट कंपनी में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिया है? तो 2 ऐसे राज्यों ने यह चीज़ किया है कि जो प्राइवेट संस्थान है उसमें भी अब आरक्षण ला दिया है, वहाँ के जो
मूल निवासी होंगे, स्थानीय लोग होंगे, उनको 75% आरक्षण देने का पूरा हरियाणा राज्य की सरकारें। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश दे दिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में तलवारबाजी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो तलवारबाजी में ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली महिला है भवानी देवी, जो कि बिलोंग करती हैं आपकी तमिलनाडु से। भवानी देवी ने तलवारबाजी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है और वह तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एनसीसी में ट्रांसजेंडर प्रविष्टि को मंजूरी दे दी है? मतलब आप एनसीसी में ट्रांसजेंडर भी रहेंगे, ठीक है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का महानिदेशक किसे बनाया गया है? कुलदीप सिंह, कुलदीप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च 2021 को किस देश के पीएम के साथ आभासीय शिखर सम्मेलन किया था? आभासीय शिखर सम्मेलन तो फिनलैंड की पीएम है सना मारिन, जिसके साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आभासीय शिखर सम्मेलन किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी कौन बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और उन्होंने कितने गोल कर लिए हैं? 770 गोल। नेक्स्ट देखते हैं, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस भारतीय एथलीट को दिया गया? इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अंजू बाबी जॉर्ज, अंजू बाबी जॉर्ज, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चंस, किस देश के विज्ञानिकों ने पहली बार अंडर वाटर टेलीस्कोप लगाया? अंडर वाटर टेलीस्कोप लगाया है रूस के विज्ञानिकों ने, और कहां पर लगाया है? बैकाल झील पर, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म कहां बनाया जा रहा है? सिंगापुर में, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म बनाया जा रहा है सिंगापुर में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सीधे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। 22 क्वेश्चंस, संसदीय समिति ने सरकार से पेट्रोल की उम्र क्या है? नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई के द्वारा किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया? हाल ही में आरबीआई ने एसबीआई पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन गए हैं एलियट पेज को टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर दिया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलीट्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर धनलक्ष्मी ने रिकॉर्ड बनाया है और उन्होंने दूती चंद को हराया है। दूती चंद भी एक एथलीट्स हैं, एक रनर हैं, और धनलक्ष्मी भी, लेकिन धनलक्ष्मी ने दूती चंद को यहाँ पर पराजित कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 के मेजबानी कौन कर रहा है? न्यू दिल्ली, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का मेजबानी करेगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल निर्माण का अंतिम चरण में है? तो चिनाब नदी पर यह बनाया जा रहा है पुल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ने वाले विश्व के सबसे युवा व्यक्ति कौन बन गए हैं? विराट चंद्रा, जो कि बिलोंग करते हैं हैदराबाद से और मात्र 7 ईयर्स के हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में सीधे पूछने वाला है। ऑस्कर्स के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बन गए हैं? रिज अहमद, ठीक है। ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता, याद रखेंगे, पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बन गए हैं? रिज अहमद। 31 क्वेश्चंस, किस राज्य की महिला पहलवान रितिका फोगाट का निधन हो गया? तो हाल ही में हरियाणा की रितिका फोगाट, जो कि एक महिला
पहलवान थी, रेसलर थी, उनका देहांत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है सामिया सुलुहु। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वन लाइनर आप क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एंड फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।